नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं NMF न्यूज़। धरती पर अगले हफ्ते एक अद्भुत खगोलीय घटना घटने जा रही है। दुनिया में 1000 वर्षों में पहली बार सबसे लंबा आंशिक चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। इससे पहले 18 फरवरी साल 1440 को पृथ्वी पर इतना लंबा आंशिक चंद्र ग्रहण देखा गया था। यही नहीं, अगली बार इस तरह का नजारा देखने के लिए लोगों को 8 फरवरी साल 2669 का इंतजार करना होगा। अगले हफ्ते 18 और 19 नवंबर को यह आंशिक चंद्र ग्रहण भारत समेत पूरी दुनिया में देखा जा सकता है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मुताबिक आंशिक चंद्र ग्रहण तब तक लगता है जब पृथ्वी की हल्की सी छाया चंद्रमा पर पड़ने लगती है। उसने बताया कि पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर कुछ घंटे तक बनी रहेगी। अगर मौसम ने साथ दिया तो जहां जहां पर चंद्रमा निकलता है वहां वहां पर यह अद्भुत खगोलीय नजारा देखने को मिलेगा। earthsky.org का कहना है कि यह चंद्र ग्रहण करीब 21,693 सेकेंड का रहेगा, जो करीब 6 घंटे और 2 मिनट होता है। वेबसाइट ने बताया कि साल 1440 से लेकर साल 2669 के बीच यह सबसे लंबा आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। वहीं अगर भारत की बात की जाए तो भारत में चंद्र ग्रहण को बहुत कम समय के लिए देखा जाएगा। यह पूर्वोत्तर के राज्यों अरुणाचल प्रदेश और असम में देखा जाएगा। इसे कुछ समय के लिए दिल्ली में भी देखा जाएगा। भारत के मौसम विभाग का कहना है कि भारत में आंशिक चंद्र ग्रहण दिन में 12:48 से शुरू होकर 19 नवंबर को शाम 4:17 तक चलेगा। भारत में यह इस साल आखिरी चंद्र ग्रहण होगा। अगला चंद्र ग्रहण 8 नवंबर 2022 को भारत में देखा जाएगा। यह पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। भारत के अलावा और कहां कहां दिखेगा चंद्र ग्रहण? अब आपको बताते हैं 1000 वर्षों में पहली बार सबसे लंबा आंशिक चंद्र ग्रहण कहां कहां देखा जा सकेगा। इस चंद्र ग्रहण को भारत के अलावा अफ्रीका, पश्चिमी यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर के ऊपर देखा जा सकता है। आपको बता दें कि आंशिक चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया पूरी तरह से चंद्रमा को ढक नहीं पाती है। इससे चंद्रमा की सतह से नाटकीय तरीके का प्रकाश निकलता है। इसे पृथ्वी से देखा जा सकता है। आंशिक चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा का रंग लाल हो जाता है।